वहीं लखनऊ में आज मौका समाजवादी पार्टी की सिल्वर जुबली का था, लेकिन चर्चाएं महागठबंधन की हो रही हैं, क्योंकि जो तस्वीर समाजवादी के मंच पर दिखाई दी है उससे यूपी में महागठबंधन की आहट अब सुनाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए गए रजत जयंती समारोह ने प्रदेश की फिजा में जो सियासी रंग घोला है उसकी सुगंध और महक पूरे देश में महसूस की जा रही है, क्योंकि कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का था। लेकिन जो महकमा जुड़ा वो आने वाले कल के महागठबंधन की दस्तक दे गया। समाजवादी के मंच पर लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, एचवी देवगौड़ा और अजीत सिंह की मौजूदगी बता गई थी कि बीजेपी को रोकने के लिए बिहार की कहानी एक बार फिर दोहराई जा सकती है। हालांकि महागठबंधन होगा और कैसे होगा इस पर कोई भी खुलकर बोलता नजर नहीं आया, ना शरद यादव बोले, ना ही लालू और ना ही देवगौड़ा। सबने ये कहते हुए फैसला नेताजी पर छोड़ दिया कि फैसला मुलायम सिंह को करना है। समाजवादी आंदोलन में साथ रहे हैं और हर तरह से, जैसे देवीलाल का फंक्शन है, चौधरी साहब का फंक्शन होता है, इसी तरह से समाजवादी पार्टी का फंक्शन है, सिल्वर जुबली फंक्शन है, उसमें आमंत्रण किया है, बुलाया है, उसमें शरीक होने आए। आप जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये बात जो है वो भाई मुलायम सिंह जी जो है उनसे आप पूछिए उनका क्या है क्या नहीं। हम लोगों का तो इतने मकसद है कि आज के फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि हम लोग एक थे तो पुराने रिश्ते हमारे, उन रिश्तों के कारण यहाँ। मुलायम सिंह गठबंधन का हाथ बढ़ाते हैं तो आपका क्या जवाब रहेगा? नहीं, बात यह नहीं, आप तो काल्पनिक बात पूछ रहे हैं, वो सारी चीज उनके हाथ में है। लीडरशिप मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, इस अखिलेश, इन चीफ मिनिस्टर, दे ऑल पार्टिसिपेटेड, दे प्लग इन देयर डिफरेंसेस and they have come together to participate in the Silver Jubilee the party's program. For that we are all cooperating. We extend their full support for the forthcoming assembly elections to be fought in Uttar Pradesh. Let's all. मैंने जैसा कहा, विचारधारा से जुड़ा रहना सबसे बड़ी बात है। विचारधारा हमारी एक है और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हम लोग एक साथ लड़ते रहे, लड़ते रहेंगे। हाँ, गठबंधन की बात है। मुलायम सिंह यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो ही इस पे कुछ निर्णय करेगा। लेकिन ये बात सब कबूल करते नजर आए कि बीजेपी को तो रोकना है, बल्कि लालू ने तो यहाँ तक कह दिया कि यूपी में चुनाव आते ही बीजेपी को राम याद आने लगे हैं। लेकिन उनकी ये चाल नहीं चलने वाली। बिहार की तरह यूपी में भी बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। राम याद आ रहा है उत्तर प्रदेश में, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के, अखिलेश जी के नेतृत्व में ये जितना ही रंगुआ सियार पहुंचा हुआ है सबने, ये शिशो नहीं पकड़ोगे टाइम पर, लड़ाई में रह जाइएगा, चिंता में रह जाइएगा, ये जो सियार है काटेगा। आज बहुत बड़ा खतरनाक होता है सियार, रंगुआ सियार, ये सब सियार को भगाना है, निकाल बाहर करना है यार। मतलब साफ है, यूपी की सियासी जमीन पर महागठबंधन की पटकथा लिखनी शुरू हो गई है। लेकिन ये पटकथा कांग्रेस के बिना कुछ अधूरी सी लगती है। उधर कांग्रेस भी महागठबंधन के सवाल पर चुप्पी साधे हुए है। नहीं, ये तो रजत जयंती उत्सव है और रजत जयंती उत्सव को महागठबंधन और तीसरा मोर्चा और उसे जोड़ना मैं समझता हूँ पूरी तरह से गलत है। इससे आज के कार्यक्रम का उद्देश्य अलग है, उसका जो आयोजन है वो किसी दूसरे उद्देश्य से है कि बड़ी खुशी की बात है कि 25 वर्ष पूरे हुए, रजत जयंती समारोह है। जहां तक गठबंधन की बात है तो जो जिसको करनी होगी वो करेंगे, अलग बैठ के करेंगे, इस सम्मेलन में बैठ के कोई गठबंधन की बात नहीं हो सकती है। लेकिन ये बात अब की, चुनाव आते आते इसकी तस्वीर बदल सकती है और जिस पोस्टर से अभी कांग्रेस नदारद है वो भी इसमें शामिल हो सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब नेताजी चाहेंगे। ऐसे में अब सबकी निगाहें मुलायम सिंह यादव पर जा टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK247 न्यूज।
चुनाव यूपी का है लेकिन दिल पूरे